हेलो फ्रेंड्स दिस इज डॉक्टर ममता राठी आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स फ्रेंड्स हम लोग फिनांशियल मैनेजमेंट की एम टाइप सीरीज में क्वेश्चंस देख रहे हैं अब तक हमने सिक्स सीरीज कंप्लीट कर दी है ये हमारी सेवेंथ सीरीज है फिनान्शियल मैनेजमेंट के बाकी सीरीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है अगर आप उन्हें पढ़ना चाहें तो उन लिंक को कॉपी करके आप उसे पढ़ सकते हो तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं हमारी सेवेंथ सीरीज फिनेंशियल मैनेजमेंट के एम सी के साथ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग कंपनी रिजल्ट विथ अदर लीडिंग फर्म्स इज कंसिडर्ड एज कंपेरिजन एनालिसिस बेंच मार्किंग रिटर्न एनालिसिस एक कंपनी के रिजल्ट को दूसरे लीडिंग फर्म के कंपनी के रिजल्ट के साथ कंपेयर करने वाली प्रोसेस को बेंच मार्किंग कहते हैं ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर बेंच मार्किंग एक प्रोसेस होती है जहां पर हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं हमारी कंपनी की प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोसेसेस का और उसे कंपेयर करते हैं दूसरे बिजनेस के साथ जो कि बेस्ट इन क्लास होती है सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर इज़ मल्टीप्लाइड टू रिटर्न ऑन असेट्स टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन एसेट ऑन मल्टीप्लायर रिटर्न ऑन टर्न ओवर रिटर्न ऑन स्टॉक एक इक्विटी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करते हैं रिटर्न ऑन आसेट के साथ कैलकुलेट करने के लिए रिटर्न ऑन आसेट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रिटर्न ऑन आसेट एक इंडिकेटर होता है जहां पर कितना प्रॉफिटेबल हमारी कंपनी है रिलेटिव टू आवर टोटल बताता है एन एनुअल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एसेट यूजेस अप एवरी ईयर आर इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन एंड एंडेशन नेट सेल्स नेट प्रॉफ़िट नेट इनकम एक एनुअल इस्टीमेटेड कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो यूज़ किया जाता है एवरी ईयर और उसमें इंक्लूडेड होता है डेप्रिसिएशन और एमोरटाइजेशन ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि एसेट की है और बैलेंस शीट में यूज होता है ओवर टाइम और एमोरटाइजेशन एक सिमिलर कॉस्ट होती है जो कि यूज़ की जाती है इनटेंजिबल एसेट के लिए जैसे कि गुडविल ओवर द टाइम नेक्स्ट उंट कॉमन स्टॉक अकाउंट ड्यू स्टॉक अकाउंट प्रकाउंट प्रोसिड्स ऑफ कॉमन शेयर जो होते हैं सोल्ड स्टॉक वो रिकॉर्ड किए जाते हैं कॉमन स्टॉक अकाउंट में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कॉमन स्टॉक अकाउंट एक जनरल लेजर अकाउंट होता है जहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं पर वैल्यू हमारे कॉमन स्टॉक जो की इश्यू की गई होती है कॉरपोरेशन के थ्रू नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आर इंक्लूडेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फिनांसिंग एक्टिविटीज ऑल ऑफ द अबाव कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फिनंसिंग एक्टिविटीज तीनों का भी इंक्लूजन होता है सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अ कंपनी परचेसेज गुड्स बट डज नॉट पे पेमेंट्स टू सप्लायर्स इमिडिएटली एंड रिकॉर्ड देम एज अकाउंट पेएबल अकाउंट रिसिवेबल करंट लाइबिलिटीज एक्यूमेबल लाइबिलिटीज एक कंपनी गुड्स परचेस कर देती है लेकिन उसका जो पेमेंट है वो सप्लायर को इमिडिएटली नहीं करती तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है अकाउंट पेएबल में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर अकाउंट पेएबल में मनी ओन्ड की जाती है बिजनेस के थ्रू उसके सप्लायर्स को जो कि शो की जाती है लाइबिलिटी साइड में कंपनी के बैलेंस शीट में ये डिस्टिंक्ट होता है नोट्स पेएबल लाइबिलिटीज से क्योंकि इसमें जो डेब्स क्रिएट किए गए होते हैं वो फॉर्मल लीगल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर इन कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो डेप्रिसिएशन एंड अमोरटाइजेशन आर ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस नॉन कैश रेवेन्यूज नॉन कैश चार्जेस नेट कैश फ्लो के कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन और अमोरटाइजेशन को नॉन कैश चार्जेस की तरह ट्रीट किया जाता है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नॉन कैश चार्ज एक राइट डाउन होता है या फिर अकाउंटिंग एक्सपेंस होता है जो कि इन्वॉल्व नहीं होता कैश पेमेंट में पेमेंट इफ़ इट इज़ मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड सच एज एन एंड ऑफ ईयर इज़ क्लासिफाइड एज ऑर्डिनरी एनुटी डेफर्ड एनुटी एनुटी ड्यू बोथ ए एंड बी पेमेंट अगर हमने नहीं कंप्लीट किया है या फिर हम करते हैं एंड ऑफ ईच पीरियड में या फिर एंड ऑफ एवरी ईयर तो उसे हम जो क्लासिफाई करते हैं वो ऑर्डिनरी एनुइटी एंड डेफर्ड एनुइटी में करते हैं सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी नॉमिनल रेट इज नॉट शोन ऑन टाइम लाइन शोन ऑन टाइम लाइन मल्टीप्लाइड ऑन टाइम लाइन डिवाइडेड ऑन टाइम लाइन टाइम वैल्यू मनी में नॉमिनल रेट जो होता है वो टाइम लाइन पर शो नहीं किया जाता ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टाइम वैल्यू मनी जो होता है एक कंसेप्ट है जहाँ पर मनी अवेलेबल होती है एट प्रेजेंट टाइम और उसका जो वर्थ होता है वो मोर देन आइडेंटिकल सम जो कि फ्यूचर में होगा ड्यू टू पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी के होता है नेक्स्ट वैल्यू ऑफ नेट इनकम इज रुप वन ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड ट्वेल्व करोर फोर्टी फाइव लैक्स एंड कॉमन शेयर आर आउटस्टैंडिंग आर सिक्स करोर देन अर्निंग पर शेयर विल बी अब यहाँ पर अर्निंग पर शेयर को हमें निकालना है तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर को निकालना पड़ेगा तो ट्वेल्व करोड़ फोर्टी फाइव लैक्स डिवाइडेड बाय सिक्स करोड़ अमाउंट आती है टू पॉइंट जीरो एट सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट स्टॉक होल्डर्स दैट डू नॉट गेट बेनिफिट्स इवन इफ कंपनीज अर्निंग ग्रो आर क्लासिफाइड एज प्रिफर्ड स्टॉक होल्डर्स कॉमन स्टॉक होल्डर्स हाइब्रिड स्टॉक होल्डर्स डेप्ट होल्डर्स स्टॉक होल्डर्स जो कि कोई बेनिफिट नहीं uh, मिलता उन्हें कंपनी uh, के अर्निंग्स जो ग्रो होते हैं तभी भी उन्हें क्लासिफाई किया जाता है प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर के नाम से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको प्रायोरिटी होती है कॉमन शेयर होल्डर से पहले जो कि डिविडेंड में आती है और जनरली ईल्ड करते हैं मोर देन कॉमन स्टॉक और मंथली या क्वार्टरली उन्हें पेड किया जाता है सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन बैलेंस शीट समिटर्ड अर्निंग्स एंड कॉमन स्टॉक आर कंसिडर्ड एज प्रीफर्ड इक्विटी ड्यू इक्विटी कॉमन परपेचुटी कॉमन इक्विटी बैलेंस शीट में सम ऑफ रिटर्न अर्निंग्स और कॉमन स्टॉक जो है उसे कंसिडर किया जाता है कॉमन इक्विटी में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कॉमन इक्विटी में वो अमाउंट होती है जहां पर सारे कॉमन शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर इंक्लूड होता है वैल्यू ऑफ कॉमन शेयर देम सिक्योरिटीज विथ लेस प्रेडिक्टेबल प्राइसेस एंड हैव लार्जर मैच्योरिटी टाइम इज कंसिडर्ड एज कैश इक्वी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज जो लेस प्रेडिक्टेबल प्राइसेस में होती है और लॉन्गर मैच्योरिटी टाइम जिन्हें लगता है उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिजाइन करते हैं हमारी कंसिडरेबल रिटर्न्स को प्रोवाइड करने के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में और फ्यू मंथ्स या इवन एक ईयर में वो मिल जाता है सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इफ इट इज डिवाइडेड बाय नेट इनकम फॉर यूजिंग टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर डिविडेंड्स पर शेयर बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग अगर डिवाइड कर दें हम नेट इनकम के साथ तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं अर्निंग पर शेयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अर्निंग पर शेयर एक इंपॉर्टेंट फिनेंशियल मेजर होता है जो इंडिकेट करता है हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को ये कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग कंपनीज नेट इनकम विथ इट्स टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स परचेज कॉस्ट ऑफ असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज क्लासिफाइड एज टेड लाइबिलिटीज परचेस कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ को क्लासिफाई किया जाता है एज ए डिप्रिसिएशन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर डिप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग मेथड है जहां पर हम एलोकेशन करते हैं हमारी टेंजिबल कॉस्ट ऑफ आसेट का और टेंजिबल uh, एसेट की कॉस्ट का और ये यूजफुल होती है लाइफ के लिए उस एसेट की लाइफ के लिए और यूज करते हैं हम अकाउंट में डिक्लाइन इन वैल्यू के लिए बिजनेस जो डेप्रिसिएट करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट को वो बोथ टैक्स और अकाउंटिंग पर्पजेस के लिए करते हैं प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू इज क्लासिफाइड एज कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग मनी वैल्यू स्टॉक वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी को प्रेजेंट वैल्यू के साथ प्रोसेस करना या फिर क्लासिफाई करना इसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं कंपाउंडिंग एक प्रोसेस होती है जहां पर हम हमारे एसेट की अर्निंग्स को हमारे कैपिटल गेन या फिर इंटरेस्ट के साथ प्रोसेस करते हैं या फिर री इन्वेस्ट करने की सोचते हैं जनरेट करने को एडिशनल अर्निंग्स ओवर टाइम सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टाइप ऑफ बेसिक फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ऑल ऑफ टाइप ऑफ बेसिक फिनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आता है इनकम स्टेटमेंट आता है रिटर्न अर्निंग्स का स्टेटमेंट आता है और कैश फ्लो का भी स्टेटमेंट आता है सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग आर फिफ्टी सॉरी फाइव क्रोर्स एंड बुक वैल्यू पर शेयर इज नाइनटीन पॉइंट नाइनटी टू देन टोटल कॉमन इक्विटी विल अब टोटल इक्विटी यहां पर जब निकालना है हमें तो शेयर आउटस्टैंडिंग इनटू बुक वैल्यू पर शेयर देखना पड़ेगा तो हमारे पास जो शेयर है वो है फाइव करोड़ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नाइनटीन पॉइंट नाइन टू से तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो है नाइनटी नाइन सॉरी ऑप्शन ए नाइनटी नाइन करोर सिक्सटी लैक्स एन इनकम अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस फ्रॉम रेवेन्यू इज क्लासिफाइड एज नेट इनकम नेट अर्निंग्स नेट एक्सपेंसेस नेट रेवेन्यूज़ वो एक इनकम जो अवेलेबल होती है शेयर होल्डर के पास आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस उनके रेवेन्यू में से तो उसे क्लासीफाइड कर दिया जाता है नेट इनकम के नाम से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेट इनकम में जो मनी सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटरेस्ट टैक्सेस और प्रीफर्ड स्टॉक के डिविडेंड्स देने के बाद जो अमाउंट बचती है उसे कहा जाता है सिक्योरिटी प्रेजेंट वैल्यू इज हंड्रेड एंड फ्यूचर वैल्यू इज वन फिफ्टी आफ्टर टेन ईयर्स वैल्यू ऑफ आई यानी कि इंटरेस्ट रेट विल बी अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रेजेंट वैल्यू है वो 100 है और फ्यूचर वैल्यू जो है वो 150 है तो 10 इयर्स के बाद हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट कितना होगा तो 4.14 परसेंट आएगा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स इसे सॉल्व करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी नेक्स्ट नॉन कैश रेवेन्यू एंड नॉन कैश चार्जेस इफ इट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेट इनकम इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो रिटर्न कैश फ्लो नेट कैश फ्लो फिनंसिंग कैश फ्लो नॉन कैश रेवेन्यू और नॉन कैश चार्जेस अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें हमारी नेट इनकम में से तो वो इक्वल हो जाते हैं नेट कैश फ्लो के साथ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेट कैश फ्लो रेफर करता है डिफरेंस बिटवीन कंपनीज कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन अ गिवन पीरियड और ये स्ट्रिक्टेस्ट सेंस में नेट कैश फ्लो रेफर करता है चेंज इन कंपनीज कैश बैलेंस एज डिटेल्ड ऑन इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर एन इन्फॉर्मेशन यूजेस बाय इन्वेस्टर्स फॉर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर अर्निंग्स इज ऑल रिकॉर्डेड इन फाइव ईयर रिपोर्ट्स एनुअल रिपोर्ट स्टॉक रिपोर्ट एक्सचेंज रिपोर्ट एक इन्फॉर्मेशन जो यूज की जाती है इन्वेस्टर के थ्रू और एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर अर्निंग को वो रिकॉर्ड की जाती है एनुअल रिपोर्ट में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एनुअल रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होता है कंपनी के एक्टिविटीज का थ्रू आउट द प्रिसडिंग ईयर नेक्स्ट इन कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो डेफर्ड टैक्स पेमेंट्स आर क्लासिफाइड एज नॉन कैश रेवेन्यूज नॉन कैश चार्जेस करंट लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस नेट कैश फ्लो के कैलकुलेशन में डेफर्ड टैक्स पेमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं नॉन कैश चार्जेस के साथ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नॉन कैश चार्जेस एक राइट डाउन या फिर अकाउंटिंग एक्सपेंसेस होता है जो कैश पेमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता लैंड बिल्डिंग एंड फैक्ट्री फिक्स्ड इक्विपमेंट आर क्लासिफाइड एज टेंजिबल एसेट नॉन टेंजिबल एसेट फिनांशियल एसेट फिनांशियल लाइबिलिटी लैंड बिल्डिंग और फैक्ट्री फिक्स्ड इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट के एग्जांपल है टेंजिबल एसेट एक फिजिकल फॉर्म ऑफ एसेट होते हैं रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स इट्स इन्वेस्टर इज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट रिटर्न रेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इंटरनेशनल रेट ऑफ रिटर्न इंटरनसिक रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को उसे क्लासीफाइड करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर एक मेट्रिक है जो यूज किया जाता है कैपिटल बजट budget में बजटिंग में और एस्टिमेट की जाती है प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की मेथड ऑफ इन्वेंटरी रिगार्डिंग गिव्स लोअर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन इनकम स्टेटमेंट इज क्लासिफाइड एज लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट आउट रिसिवेबल्स फर्स्ट आउट रिसिवेबल्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अब जो इन्वेंटरी रिकॉर्ड करने की मेथड है जो कि लोअर कॉस्ट ऑफ गुड्स को सोल्ड करने की लिए दी जाती है और वो स्टेटमेंट में क्लासीफाई की जाती है उसे कहते हैं फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये एक एसेट मैनेजमेंट और वैल्यूएशन मेथड है जहाँ पर एसेट जो प्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर एक्वाइर्ड किए जाते हैं सबसे पहले उसे सबसे पहले सोल्ड किया जाता है या फिर डिस्पोज किया जाता है Type of interest rates consist of nominal rates, periodic rates, effective annual rates, all of the above. Type of interest rate means nominal rate, periodic rate, or effective annual rate. So, option D is the correct answer. Future value of interest, if it is calculated once a year, is classified as one time compounding, annual compounding, semi annual compounding, monthly compounding. फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट जो कि कैलकुलेट की जाती है साल में एक बार उसे क्लासिफाई करते हैं एन्युअल कंपाउंडिंग के नाम से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फ्यूचर वैल्यू एक वैल्यू होती है एसेट की स्पेसिफिक डेट में और ये मेजर करती है नॉमिनल फ्यूचर सम ऑफ मनी को गिवन सम ऑफ मनी के साथ यानी कि वर्थ के साथ स्पेसिफाइड टाइम में इन द फ्यूचर और अज्यूम करती है centra, एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट को या फिर मोर जनरली रेट ऑफ रिटर्न को और एक प्रेजेंट वैल्यू जो है उसे मल्टीप्लाई किया जाता है एक्यूमुलेशन फंक्शन के साथ एंड इंटरेस्ट रेट विच इज पेड बाय मनी बोरोवर एंड चार्ज्ड बाय लेंडर इज कंसिडर्ड एज एन्यल रेट पीरियोडिक रेट परपेचुटी रेट ऑफ रिटर्न एन्यस्ट रेट जो कि पेड किया जाता है मनी या फिर चार्ज किया किया जाता है, की उसे किया जाता है है लेंडर के थ्रू उसे पीरियोडिक रेट में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किया जाता है लोन पर या फिर रियलाइज होता है इन्वेस्टमेंट पर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन कैलकुलेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पी एम टी रिप्रेजेंट्स ट मनी ट्रैकिंग पेमेंट पेमेंट मनी ट्रैकिंग फ्यूचर मनी पेमेंट अब कैलकुलेशन ऑफ टाइम वैल्यू मनी में पीएम टी का मतलब रिप्रेजेंट करता है पेमेंट में यानी कि ऑप्शन बी लेफ्ट साइड ऑफ बैलेंस शीट टेट्स डेट एप्रिसिएटेड अर्निंग्स लाइबिलिटीज एसेट्स स्टॉक अर्निंग्स जैसे कि हमें सबको पता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो उस स्टेटमेंट में जो लेफ्ट साइड होती है वो लाइबिलिटीज होती है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इनटेंजिबल एसेट्स सच एज कॉपीराइट ट्रेडमार्क एंड पैटर्न आर एप्लीकेबल फॉर डिप्रिसिएशन एमोरटाइजेशन स्टॉक एमोरटाइजेशन पेरिशिबल एसेट्स अब जैसे कि हमें पता है कि जो कुछ टेंजिबल एसेट्स होते हैं उन टेंजिबल एसेट्स पर हम लोग डेप्रिसिएशन देते हैं और जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं उनके ऊपर हम एमोर्टाइजेशन प्रोवाइड करते हैं सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अ शेड्यूल विच शोज इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट रिड्यूस्ड प्रिंसिपल एंड अनपेड बैलेंस इज कंसिडर्ड एज रीपेड शेड्यूल डेप्रिसिएटेड शेड्यूल एमोरटाइजेशन शेड्यूल एप्रिसिएटेड शेड्यूल एक शेड्यूल जहाँ पर हमारी इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट को हम दिखाते हैं और रिड्यूस प्रिंसिपल या फिर अनपेड बैलेंस के साथ कंसिडर करते हैं वो एमोरटाइजेशन शेड्यूल होता है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर एमोरटाइजेशन शेड्यूल एक कंप्लीट टेबल होता है पीरियडिक लोन पेमेंट का जहाँ पर हमारी प्रिंसिपल अमाउंट को हम दिखाते हैं और हमारी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कंप्राइज होती है ईच पेमेंट में अनटिल हमारा लोन हम पेड ऑफ़ नहीं कर देते उसको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेट इनकम इज रुपीज टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड नॉन कैश चार्जेस आर वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी देन नेट कैश फ्लो वुड बी अब नेट कैश फ्लो अगर हमें निकालना है तो नेट इनकम माइनस नॉन कैश चार्जेस करने पड़ेंगे सो टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी माइनस वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी हमारे पास आएगा वन थाउजेंड वन हंड्रेड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर लॉटरी पे ऑफ्स एंड पेमेंट फॉर रेंटल अपार्टमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ लमसम अमाउंट डेफर्ड एनुटी एन्युटी डेट पेमेंट फिक्सड सर्विसेज लॉटरी पे ऑफ या फिर पेमेंट ऑफ रेंटल अपार्टमेंट्स एग्जाम्पल है एन्युटी डे ड्यू के एनुटी ड्यू एक रिपीटिंग पेमेंट होती है जो कि मेड होती है बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड में सच एज रेंट पेमेंट फिनंस कंपनी प्रोवाइडिंग लोन्स एट ट्वेल्व परसेंट विथ टू कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर पीरियडिक रेट इज क्लासीफाइड एज सिक्स परसेंट पर ईयर अगर फिनांस कंपनी प्रोवाइड कर रही है लोन ट्वेल्व परसेंट से दो कंपाउंडिंग पीरियड्स के लिए पर ईयर तो पीरियडिक रेट जो होता है वो सिक्स परसेंट होता है एक साल के लिए सिक्स परसेंट आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अकाउंट्स पेएबल एक्रूवल्स एंड नोट्स पेएबल आर लिस्टेड ऑन बैलेंस शीट एज एक लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज एक्यूमलेटेड लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज अकाउंट्स पेएबल एक्रूअल्स एंड नोट्स पेएबल ये लिस्ट होते हैं बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी के हेड के नीचे करंट लाइबिलिटी कंपनी के डेप होती है या फिर ऑब्लिगेशन होती है जो कि ड्यू होती है विद इन वन ईयर में और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अ लोन दैट इज रीपेड ऑन मंथली क्वार्टरली एंड एनुअल बेसिस इन इक्वल पेमेंट्स इज क्लासिफाइड एज अमोरटाइज लोन डेप्रिसिएटेड लोन एप्रिसिएटेड लोन्स रीपेड पेमेंट्स एक लोन जो कि रीपेड होता है मंथली क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पर इक्वल पेमेंट के साथ उसे कहा जाता है एमोरटाइज लोन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर एमोरटाइज लोन एक इस तरह का लोन होता है जो कि शेड्यूल्ड शेड्यूलडेड होता है पीरियडिक पेमेंट के साथ जो कि अप्लाइड होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के साथ में एन इंटरेस्ट रेट इज फाइव परसेंट नंबर ऑफ पीरियड आर थ्री एंड प्रेजेंट वैल्यू इज हंड्रेड देन फ्यूचर वैल्यू विल बी अब फ्यूचर वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट वन प्लस आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू यन टाइम्स तो हम हाँ, हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है हंड्रेड और वन प्लस आर आर माने इंटरेस्ट रेट जो है वो है फाइव परसेंट डिवाइडेड बाई हंड्रेड और ये जो है वो थ्री नंबर ऑफ़ पीरियड जो है वो थ्री है सो so हम इसका गर, अगर कैलकुलेशन करें तो अमाउंट आती है वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन पॉइंट सेवन सिक्स सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अ मेथड ऑफ इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग विच प्रोड्यूसेस हाई इन्वेंटरीज इन बैलेंस शीट इज क्लासिफाइड एज फर्स्ट आउट रिसिवेबल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट आउट रिसिवेबल्स एक मेथड जहाँ पर इन्वेंटरी हमने जो रिकॉर्ड की है वो प्रोड्यूस करती है हाई इन्वेंटरी बैलेंस शीट में उसे क्लासिफाई करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में फीफो मेथड जो है वो एक एसेट मैनेजमेंट या एवेल्यूएशन मेथड होती है जहाँ पर हम जो पहले स्टॉक आता है उसे पहले इशू कर देते हैं नेक्स्ट नॉन कैश रेवेन्यूज आर रुपीज़ फाइव लैख एंड नेट इनकम इज रुपीज़ नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड देन नेट कैश फ्लो वुड बी नेट कैश फ्लो नेट इनकम में से नेट कैश रेवेन्यू को माइनस करने से आएगी सो नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस फाइव लैख इज इक्वल टू फोर लैख ऑप्शन जो हमारा है वो है ऑप्शन डी सॉरी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड सो ऑप्शन डी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कैश एंड इक्विवेलेंट्स इन्वेंटरीज एंड अकाउंट रिसिवेबल्स आर क्लासिफाइड एज एसेट्स ऑन बैलेंस शीट लाइबिलिटीज ऑन बैलेंस शीट अर्निंग्स ऑन इनकम स्टेटमेंट पेमेंट ऑन इनकम स्टेटमेंट कैश एंड इक्विवेलेंट्स इन्वेंटरीज और अकाउंट रिसिवेबल्स जो है वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं और एसेट साइड में लिखे जाते हैं सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन सिचुएशन ऑफ बैंक क्रप्सी स्टॉक विच इज रिकॉर्डेड अबाउ कॉमन स्टॉक एंड बिलो डेप्ट अकाउंट इज डेप्ट लाइबिलिटीज प्रीफर्ड स्टॉक हाइब्रिड स्टॉक कॉमन लाइबिलिटीज बैंक के सिचुएशन में अगर हमारा स्टॉक हमने कॉमन uh, स्टॉक के अबव रिकॉर्ड कर दिया है और बिलो डेप्ट अकाउंट में है तो इसे प्रीफर्ड स्टॉक कहा जाता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर प्रीफर्ड स्टॉक रेफर करता है क्लास ऑफ ओनरशिप को जिसे जहाँ पर हायर क्लेम होता है एसेट्स पर और अर्निंग्स पर देन कॉमन स्टॉक कॉमन स्टॉक में जितना नहीं होता उससे हायर एसेट एंड अर्निंग्स पर होता है इफ सिक्योरिटी पेज रुपीज फाइव थाउजेंड इन ट्वेंटी ईयर विथ सेवन परसेंट एनुअल इंटरेस्ट रेट पी वी ऑफ सिक्योरिटी बाई यूजिंग फार्मूला इज अगर सिक्योरिटी हमारी फाइव थाउजेंड पेड करती है ट्वेंटी ईयर्स में सेवन परसेंट एनुअल इंटरेस्ट रेट के साथ तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है यफ वी डिवाइडेड बाई वन प्लस आर इन टू हंड्रेड ब्रैकेट एन सो so, हमारी जो एक फ्यूचर uh, वैल्यू है uh, या फिर uh, जो हमारी सिक्योरिटी पे करती है हमें ट्वेंटी इयर्स के बाद फाइव थाउजेंड तो फ्यूचर वैल्यू फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन प्लस नंबर ऑफ इयर्स जो है वो इंटरेस्ट uh, रेट जो है हमारा वो सेवन है सो सेवन डिवाइडेड बाय हंड्रेड इंटू ट्वेंटी ईयर्स के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड नाइन्टी टू पॉइंट वन जीरो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर एंड इंटरेस्ट रेट विच इज कोटेड बाय ब्रोकर्स, बैंक्स एंड अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज क्लासिफाइड एज एन्युटी रेट परपेचुटी रेट नॉमिनल रेट एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न एक इंटरेस्ट रेट जो कि कोट किया जाता है ब्रोकर्स, बैंकर्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू उसे कहते हैं नॉमिनल रेट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नॉमिनल रेट रेफर करता है इंटरेस्ट रेट बिफोर टेकिंग इन्फ्लेशन इंटू अकाउंट नॉमिनल का दूसरा एक मतलब होता है एडवर्टाइज या फिर स्टेटेड इंटरेस्ट रेट ऑन लोन विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट एनी फीस या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कंपनी हु सेल्स प्रोडक्ट्स टू कस्टमर विदाउट डिमांडिंग इमीडिएट पेमेंट बट रिकॉर्ड इट इन बैलेंस शीट एज अकाउंट पेएबल अकाउंट रिसिवेबल अकाउंट इक्विवेलेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट एक कंपनी हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करती है और इमीडिएट पेमेंट को डिमांड नहीं करती तो उसे रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल्स में अकाउंट रिसीवेबल्स बैलेंस शीट में मनी ड्यू का, का काम करता है या फिर दिखाता है फर्म की गुड्स एंड सर्विसेज जो डिलीवर की गई है यूज की गई है लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं आया है सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नॉमिनल रेट विच इज कोटेड टू कंज्यूमर्स ऑन लोन्स इज कंसिडर्ड एज एनुअल परसेंटेज रेट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न लॉन्ग रेट ऑफ रिटर्न लोकल रेट ऑफ़ रिटर्न नॉमिनल रेट जो होता है जो कि कोट किया गया है कंज्यूमर्स को उनके लोन पर उसे कंसिडर किया जाता है एनुअल परसेंटेज रेट ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ए एक एनुअल रेट चार्ज किया गया होता है बोरोविंग्स पर उस, उसके ऊपर अर्न की जिसके इन्वेस्टमेंट पर वो अर्न किया जाता है ए को ही परसेंटेज के हिसाब से भी एक्सप्रेस किया जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल ईयरली कॉस्ट ऑफ फंड्स को ओवर द टर्म ऑफ लोन नेक्स्ट एन इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग इन बैलेंस शीट इंक्लूड्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन लास्ट आउट बोथ ए एंड बी इन्वेंटरी जो रिकॉर्ड की जाती है बैलेंस शीट में उस उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट दोनों दोनों भी आती है सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर वैल्यूज रिकॉर्डेड एज डिटरमाइंड इन मार्केट प्लेस आर कंसिडर्ड एज मार्केट वैल्यूज बुक वैल्यूज एप्रिशिएटेड वैल्यूज डिप्रिशिएटेड वैल्यूज वैल्यू uh, जो रिकॉर्ड की जाती है मार्केट प्लेस में डिटरमाइन जहां पर होती है उसमें तो उसे कहा जाता है मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू एक ऐसी प्राइस होती है एसेट की जो मार्केट प्लेस में डिसाइड होती है मार्केट वैल्यू ऑल्सो रेफर करती है मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो कि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी की होती है सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी पेमेंट इन विच पेमेंट्स आर मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड ईच पेमेंट अमाउंट इज सेम एज क्लासिफाइड सेम इज क्लासिफाइड एज Fixed interval investment, fixed payment investment, annuity lump sum. अब एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी पेमेंट होता है जहाँ पर पेमेंट जो किए जाते हैं वो इक्वल इंटरवल्स पे किए जाते हैं टाइम uh, और uh, हर पेमेंट की अमाउंट जो होती है वो सेम होती है तो उसे कहते हैं एन्युटी एन्युटी एक फिनेंशियल प्रोडक्ट है जहाँ पर हम पे आउट करते हैं फिक्स स्ट्रीम ऑफ पेमेंट को एक इंडिविजुअल को और ये जो फिनेंशियल प्रोडक्ट है वो प्राइमरीली यूज़ किए जाते हैं इनकम स्ट्रीम या रिटायरीज के लिए सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर So friends, here we complete our this series of MCQ type questions of financial management. I hope this series are this series will prove beneficial in your studies and this series will be helpful in your better knowledge. So I request you friends, please share this series with your friends and with the needy students so that they can get the benefit of this series very well. Friends, we will meet in the next series very soon in which we will discuss some more MCQ type of questions of financial management. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.